हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक झटपट से बनने वाला डेजर्ट जो कि पौष्टिक भी है। तो इसको हम बनाएंगे गाजर के साथ। आजकल गाजर के हलवे का मौसम है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, लेकिन मेहमान आ जाए तो ये एक चीज़ है जो आप फटाफट से बना सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे गाजर की खीर। तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये जो हम पौष्टिक खीर बना रहे हैं गाजर की, उसके लिए हमें क्या सामग्री चाहिए वो नोट डाउन करेंगे। तो ये हमने लिया है एक कटोरी के करीब कद्दूकस किया हुआ गाजर, और ये कटोरी से थोड़ा कम हमने चीनी ली है। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने थोड़े से कटे मेवे लिए हैं आधी कटोरी, इसमें बादाम है, किशमिश है, काजू है, आप अपने मनचाहे मेवे डाल सकते हैं। ये मैंने आधा बड़ा चम्मच के करीब जो है घी लिया है, जिसमें हम ये गाजर को भूनेंगे। साथ में ये मैंने दूध जो गाढ़ा कर लिया है, मैंने इसको क्वांटिटी दूध की जो रखी थी वो 2 ग्लास से समझिए 1 ग्लास हो गया, इतना गाढ़ा कर लिया है, ये हम डालेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं गाजर की खीर बनाना। और ये हमने 4-5 इलायची ली है, जिसका हम पाउडर बना लेंगे, तो उसको भी हम बाद में ऐड करेंगे। सबसे पहले एक हमने कढ़ाई चढ़ा दी है गरम करने, जिसमें हम ये पहले घी को गरम करेंगे। और जैसे घी गरम होगा तो हम उस घी में इस गाजर को भूनेंगे। इसमें गाजर को पहले ही हम अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर वो दूध के साथ पकाएंगे। आप घी भी चाहें तो थोड़ा कम कर सकते हैं, पर स्वाद के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा घी ऐड किया। अब ये घी गरम हो गया है तो मैं इसमें ये गाजर को जो कद्दूकस की हुई है उसको डाल के थोड़ा भूनूंगी, जब तक गाजर हल्की सॉफ्ट ना हो जाए, फिर हम उसको दूध के साथ पकाएंगे। हमने गाढ़ा दूध लिया है तो टाइम कम लगेगा। ये देखिए, अब इसको हमें 3-4 मिनट हो गया है भूनते हुए और थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है गाजर। तो अब हम इसमें ये जो हमने दूध गाढ़ा दूध लिया है वो हम 3/4 करीब डाल देंगे। ये देखिए, मैंने काफ़ी गाढ़ा दूध लिया है जिससे हमारा टाइम कम लगेगा। अब हम इसको गाढ़ा होने देंगे, अब हम पूरा डाल दे रहे हैं दूध, और जब तक ये दूध की क्वांटिटी आधी ना हो जाए उतनी देर तक हमें पकाना है, तभी चीनी ऐड करेंगे। तो इसको उतनी देर तक धीमी आंच पे हम पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब देखिए, ये करीब हमने 8 से 10 मिनट इसे पकाया है तो बिल्कुल रिड्यूस हो गया है और अच्छी मलाईदार खीर तैयार हो रही है हमारी। अब हम इसमें ये चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से डालिए, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आधी कटोरी चीनी भी डाल सकते हैं आप चाहें तो। इसको वो जो शुगर फ्री आता है उससे भी बना सकते हैं, लेकिन वैसे मेरे हिसाब से वो खाना नहीं चाहिए, तो चीनी ही डाल लीजिए, थोड़ी कम कर दीजिए क्वांटिटी, और चख लीजिए। अगर आपको ज़्यादा और चीनी चाहिए तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब जब आप चीनी डालेंगे तो थोड़ी खीर पतली होगी, तो फिर उसे 3 मिनट तक हम पकाएंगे और फिर बस ड्राई फ्रूट्स डाल के उसको उतार लेंगे। अब ये जो हमने 2 इलायची का ये दानों को लेके थोड़ा सा कूट दिया है वो मिला देंगे, और साथ ही ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं काजू, किशमिश और बादाम, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसको भी हम डाल देंगे इसी वक्त। और फिर बस हम 2 मिनट इसको चलाएंगे और हम सर्व करेंगे अपनी टेस्टी सी खीर। तो ये तैयार है हमारी मज़ेदार, टेस्टी और बहुत यमी और बहुत पौष्टिक खीर। और अब हम इसमें थोड़े से ऊपर से भी ड्राई फ्रूट्स डाल के और बस इसको सर्व करेंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के संग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।